हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट स्काई ब्लू की एक और नई वीडियो में। तो आज फिर से हम हैं माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक में। तो जैसा ही आप सबको पता ही है कि लास्ट वाली वीडियो में हम ने एक नई सीरीज शुरू की थी और हम इस वाले आइलैंड पर गए थे जहां हमें कोई चेस्ट वगैरह तो नहीं मिली थी, पर एक ट्री मिला था केशिया का। और ऑफलाइन मैं एक दूसरे आइलैंड पर भी गया है, वहाँ पर भी मुझे कोई चेस्टर नहीं मिली, लेकिन एक डार्क ओक का ट्री मिला था। तो आई थिंक इसमें चेस्टर नहीं होंगी, पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी, ट्री वगैरह और कुछ। तो देख लेते हैं हम वो सभी ट्री भी लाएंगे, लेकिन वो काम बाद में। पहले मुझे वहाँ पर एक और ट्री दिख रहा है और उस पर मुझे एक 20 का सत्ता दिख रहा है, तो क्यों ना पहले हम वहाँ चले, है ना गाइस। और यहाँ पर एक ट्रेडर भी आया हुआ है, पर मेरे पास इससे ट्रेड करने के लिए अभी तो कुछ नहीं है। और ये मैं ओ शिट, अभी भी वैसे मैं नीचे तो नहीं जाता क्योंकि एक ब्लॉक में तो मैं नहीं जा सकता। और हमारी वीट भी ग्रो हो रही है धीरे धीरे से, अभी तो हमें मेरे पास एक भी वीट नहीं आई जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। तो धीरे धीरे से हम हर एक चीज़ भी उगाएंगे। तो अभी हमारा चैलेंज भी कोई पूरा नहीं हुआ है, और मैंने ऑफलाइन थोड़ी बहुत कोबलस्टोन भी माइन किए थे और उनसे मैंने थोड़ी बहुत स्लैब्स भी बना कर रखी है। और बाकी ये प्लैंक एक ट्री ग्रो हुआ था, मैंने उससे लिए थे। और ज़ॉम्बी फ्लैश तो मुझे रात में वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखा था तो मैंने उसे मार दिया था। और बाकी तो सब मेरे पास पुरानी चीज़ें हैं। मेरे पास 10 ऑब्सीडियन भी है, तो हम नेदर पोर्टल भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम जाएंगे इस वाले आइलैंड पर और नेदर पोर्टल भी हम बनाएंगे। नेदर पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए वैसे तो हमें फ्लिंट एंड स्टील चाहिए, जिसके लिए हमें ग्रेवल और आयरन चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे इस लावा से और प्लैंक से ही उसे एक्टिवेट करना होगा। अरे ये क्या हो गया, और पहले भी ऐसे ही मेरी जे वाली सीड ख़राब हुई थी गाइस, और अब जे वाली हो गई, तो मुझे ये सब भी संभाल कर करना होगा गाइस। तो चलिए पहले मैं इसे फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ और खो को मैं फिर से रख देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास सामान की थोड़ी बहुत कमी है। और नीचे 2 लामा भी है, मैं वैसे इसे मारकर इससे लीड लेना चाहता था ताकि अगर मुझे कोई एनिमल दिखे तो उसे मैं अपने आइलैंड पर ले आऊँ, पर अगर मैं इसे मारूंगा तो नीचे गिर जाएगी लीड, मुझे नहीं मिलेगी, तो इसका बाद में देखेंगे। पहले हम चलते हैं इस वाले आइलैंड पर। तो मेरे पास स्लैब्स तो हैं, तो पहले मैं देख लूँ मैं कहाँ से जाऊँगा। और गाइस जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ कि इस तरफ मैंने, अरे ऊपर चढ़ जा, इस तरफ रुक रुक, पहले मैं क्राउच हो जाता हूँ, इस तरफ मैंने एक स्टेप नीचे लगाई है। अब इन क्या होगा, इस पर जो है ना जो लंबा रास्ता, इस पर कहीं भी कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होंगी। और ये वही इस तरफ, इस पर मैंने ऊपर लगाई है तो इस पर मॉब स्पॉन होती है रात को। तो फिलहाल तो हम इस तरफ चलते हैं, पहले मैं जंप मार के थोड़ा आगे चल जाता हूँ। और चलिए अब मैं यहाँ से स्लैब लगानी शुरू करता है। तो स्लैब ऐसे बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर लगानी है, ओके गाइस। और फिर बाकी तो सेम ही है, जैसे उस तरफ बनाया था वैसे ही बनाते जाओ। और मैं बनाता हूँ धीरे से और हम चलते हैं दूसरे आइलैंड पर। तो उस आइलैंड से आने के बाद हम नेदर पोर्टल ओपन करेंगे गाइस, कोशिश करेंगे ओपन करने की, क्योंकि मुझे पक्का नहीं है कि मेरे तरीके से ओपन होगी या नहीं। तो अभी मैं जल्दी से बिल्ड कर लेता हूँ और हम चलते हैं दूसरे वाले आइलैंड पर। ओके गाइस, मेरा स्लैब्स का एक स्टैक और जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्लैब्स थी वो सब ख़त्म हो चुकी है, और अभी भी आइलैंड बहुत दूर है, मेरे पास बस एक स्टैक स्लैब्स मिली बची है। पता नहीं मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। और वहाँ पर मुझे एक मशरूम आइलैंड और वहाँ पर मुझे एक जंगल ट्री का आइलैंड भी दिख गया है। तो इन आइलैंड पर भी जाएंगे हम किसी और वीडियो में, लेकिन आज नहीं। और ये देखा गाइस, इस तरफ देखने से कितना अजीब सा लग रहा है और इस तरफ देखने से बिल्कुल अलग ही है। तो फिलहाल तो हम चलते हैं इस आइलैंड पर, अगर जा पाते हैं तो। मेरे पास अभी फ़िलहाल 64 स्लैब्स बची हैं, तो मैं देखता हूँ मैं इनसे पहुँच पाता हूँ या नहीं, नहीं तो हमें और कोबलस्टोन माइन कर और स्लैब्स बनानी पड़ेंगी गाइस। तो मैं जल्दी से बिल्ड करता हूँ और हम चलते हैं दूसरे वाले आइलैंड पर। तो ओके गाइस, मेरे पास बस 11 स्लैब्स बची है और यहाँ पर कोई मॉब तो स्पॉन नहीं होता, लेकिन एक वैंड्रिक ट्रेडर स्पॉन हो चुका है
और आई थिंक ये ट्रेडर नहीं, अकेली लामा। ओके ठीक है, ट्रेडर भी है उस तरफ। तो मेरे आइलैंड पर तो एक ट्रेडर है, तो मैं इसे मार भी सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता ये लामा नीचे गिरे, तो मैं थोड़ा साइड से ही देखता हूँ इसके पास क्या ट्रेड है। तो ठीक है, इसके पास कुछ अच्छी ट्रेड तो नहीं। वैसे इसके पास शुगर केन है और वो मेरे पास भी है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं इसे बेफिक्र होकर मार सकता हूँ, बस ये नीचे ना गिरे और इसकी लामा मुझे ना मारे, नहीं तो मैं ही नीचे गिर जाऊँगा। ठीक है, ये तो नीचे गिर गया, मुझे इसकी लीड मिली या नहीं? ओके ठीक है, मुझे लीड मिल चुकी है। ओके ओके तेरी ऐसी, चल नीचे निकल। और दूसरी तो आई थिंक पहले ही नीचे गिर चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं, और हमारे पास जो स्लैश बची हैं उन्हें लगाते हैं और देखते हैं हम। वैसे मुझे लगता नहीं कि हम पहुंच पाएंगे वहां तक, तो हमें थोड़े बहुत और कोबलस्टोन माइन करने पड़ेंगे। तो मैं फ़िलहाल ये 11 स्लैब्स लगाता हूँ और देखते हैं हम इनसे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, बस 5 4 3 2 1 और ये ख़त्म। तो ठीक है, आई थिंक मुझे एक स्टैक स्लैब्स और बना कर ले आनी चाहिए, है ना गाइस? तो चलते हैं हम जल्दी से घर पर। और ऐसे रास्ता बनाने का एक फ़ायदा भी होता है गाइस, हम जल्दी जा सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ऐसे सीधा चल सकते हैं। ऐसे एक हिसाब से हमें 3 ब्लॉक का मिल जाता है दो ही ब्लॉक में, तो हम गिरते भी नहीं हैं इस पर। तो हम जंप मारते मारते भी नहीं जा सकते। तो ठीक है गाइस, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, और मुझे जो लीड मिली थी वो भी जा चुकी है, और जहाँ पर जो हमारा वेंडिंग ट्रेडर था वो भी जा चुका है। तो ठीक है गाइस, अब वापस आ ही गए हैं, तो कोबलस्टोन माइन करते हैं और फिर चलते हैं। और शुगर है मेरे पास, प्लैंक्स हैं, तो इनकी स्टिक्स बनाकर मैं नई पिकैक्स तो बना सकता हूँ कम से कम। तो मैं जल्दी से 4 स्टिक बना लेता हूँ, और स्टिक्स को और प्लैंक्स को सॉरी वापस रख देता हूँ, और थोड़े बहुत कोबलस्टोन निकाल लेता हूँ, और इनसे 2 पिकैक्स बना लेता हूँ, है ना गाइस? या नहीं? ओके ठीक है, 2 पिकैक्स बना लेता हूँ इनसे, और चेस्ट खुल जा। और एक को मैं फ़िलहाल इसी में संभाल कर रख लेता हूँ। और अब हम थोड़े बहुत कोबलस्टोन माइन कर लेते हैं, है ना गाइस? तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़े बहुत कोबलस्टोन माइन करने के बाद। ओके गाइस, गाइस अभी मैं कोबलस्टोन माइन कर रहा था, और मैंने देखा कि मेरे आधे से ज़्यादा कोबलस्टोन, तो और आप मेरी स्किन देख सकते हैं गाइस, ये स्किन मुझे मिली है मार्केट प्लेस से, और ये फ्रीली अवेलेबल है, आप भी इसे ले सकते हैं मार्केट प्लेस पर जाकर, न्यूअर स्किन पर जाकर। और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अगली वीडियो में इसका लिंक दे दूँगा। तो मैं अब देख रहा था गाइस कि मेरे काफ़ी सारे कोबलस्टोन तो पानी में बहकर नीचे जा रहा चले जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर एक दर लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे आधे से ज़्यादा कोबलस्टोन तो बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोबलस्टोन ही लगा देता हूँ, है ना गाइस? क्योंकि डर्ट की तो वैसे भी हमारे पास बहुत कमी है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर कोबलस्टोन तो लगा दिया है, और ठीक है जहाँ पर पानी जाना ही बंद हो गया है। तो फ़िलहाल जो मेरे एक्स्ट्रा कोबलस्टोन है वो तो मैं रख देता हूँ इसमें संभाल के, जो मैंने एमरजेंसी के लिए रखे हैं। तो ये 26 मैं रख देता हूँ, और 18 से मैं अपने पास निकाल लेता हूँ। और अब मैं थोड़े बहुत और कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ गाइस, और मैं मिलता हूँ आपको थोड़े बहुत और कोबलस्टोन माइन करने। गाइस मेरे पास लगभग हाफ स्टैक कोबलस्टोन हो चुके हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पर भी है, और थोड़े बहुत नीचे भी हैं, तो मैं भी ले लेता हूँ। और मेरे पास टोटल 49 कोबलस्टोन हो चुके हैं गाइस, तो इनसे मैं जल्दी से स्लैब्स बना लेता हूँ जितनी भी बन सकती हैं, और फिर हम चलते हैं उस आइलैंड पर और देखते हैं उस आइलैंड पर अगर हमें कुछ मिलता है बिट्स के अलावा। तो ठीक है, हमारे पास एक एंड हाफ स्टैक स्लैब्स आ चुकी है, तो ये जो एक कोबलस्टोन बचा है जिसे मैं यहीं पर रख देता हूँ। और अब चलते हैं गाइस, और इस बार मैं थोड़ा ध्यान से जाऊँगा, मतलब कि जाऊँगा तो स्पीड में, पर जंप मार कर नहीं जाऊँगा, है ना गाइस? ओके, इस जगह ऐसी, ओ ये तो गलत बात है गाइस, मैं बिल्कुल सीधा जा रहा था फिर भी मैं गिर गया, मुझे फिर से कोबलस्टोन माइन करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और पिकैक्स है, तो मैं थोड़े बहुत कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, हमारे पास फिर काफ़ी कोबलस्टोन हो चुके हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पर भी है, और मैं पूरा ध्यान से इन्हें लूँगा, और
जितनी स्लैश बन सकती हैं उतनी बनाऊंगा गाइस। और इस बार मैं बिल्कुल क्राउच कर जाने वाला हूँ गाइस। वैसे क्राउच करके थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो मैं फास्ट जाऊँगा, पर इतना नहीं कि मैं फिर से नीचे गिर जाऊँ। ओके थोड़ा ओ ये देखा गाइस, मैं बिल्कुल सीधा जा रहा था और पता नहीं कैसे टेढ़ा चलने लग पाया ये लग पर आज ऐसे ही मैं पहले गिरा था। तो फिलहाल मैं अपना हाथ ये क्या ये खुद ही चली जा रहा है गाइस, पता नहीं क्या ग्लिच है। पर अब मैं गिरना नहीं चाहता क्योंकि कोबस्टोन माइन कर थक गया हूँ मैं गाइस। तो ठीक है मैं यहाँ ओ ये देखिए गाइस, मैंने अच्छा भला इसे रोक दिया था एक जगह पर और ये फिर से नीचे गिर गया अपने आप ही चल रहा है गाइस। जी पता नहीं क्या ग्लिच हो रही है, या तो मैंने शायद अरे ये मैंने क्या खोल दिया, या तो मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस फुल कर रखी है इसलिए मेरी गेम थोड़ी बहुत ग्लिच कर रही है, तो मैं उन्हें भी कम कर देता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, मैंने अपने चंक फिर से कम कर दिए हैं, मैंने अपने चंक फिर से 9 कर दिए हैं। और ये मेरी स्क्रीन को क्या हो गया गाइस, थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही है आपको? मैंने चंक ही कम किए हैं ना, कुछ और तो नहीं कम कर दिया मैंने वीडियो? और आई थिंक या मैंने ज़्यादा कम कर दिया इसे, या मैंने कुछ और गड़बड़ कर दी गाइस कहीं ये इससे। ओके ठीक है, ये इससे हो रहा था तो ये मुझे थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हाँ इससे हो रहा था ये, तो कोई बात नहीं अब हम ऐसे ही खेल लेते हैं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, है ना गाइस। तो मैं क्राउच करके पहले तो मुझे एक पिकैक्स भी बनानी पड़ेगी अब नहीं, तो गाइस मैं बना लेता हूँ पिकैक्स और थोड़े बहुत कोबलस्टोन माइन कर फिर मिलता हूँ मैं आपसे गाइस। तो ठीक है गाइस, टेक 3 होने जा रहा है और एक्शन। तो गाइस मैं तीसरी बार लगातार कोबलस्टोन माइन कर चुका हूँ और चलिए फिर से थोड़े बहुत और स्लैब्स बना लेते हैं जितने बन सकते हैं। और इस बार मैं सारे स्लैब्स नहीं लेकर जाऊंगा गाइस, क्योंकि दो बार मैं सभी स्लैब्स लेकर गया और मरा हूँ। आई थिंक इतने 30 स्लैब्स काफ़ी होंगे, पर मैं एक स्टैक ले जाता हूँ और 30 को यहाँ पर संभाल कर रख देता हूँ, है ना गाइस। तो इन्हें मैं रख देता हूँ यहाँ पर और पिकैक्स तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, है ना गाइस। तो इस बार मैं जाऊँगा बिल्कुल संभल कर, बिल्कुल धीरे धीरे से, कोई स्पीड में जाऊंगा ही नहीं मैं गाइस। और मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ क्या जी अब खुद ही चल रहा है। ठीक है अब जो खुद नहीं चल रहा, तो शायद मैंने रेंडर डिस्टेंस बढ़ा रखा था इसलिए मेरी थोड़ी सी गेम ग्लिच कर रही थी। फुल कर रखा था मैंने गाइस और अब मैंने नॉर्मल कर दिया है, तो यहाँ पर से तो मैं बिल्कुल ध्यान से जाऊँगा, बिल्कुल क्राउच कर क्योंकि अब मैं गिरना नहीं चाहता यहाँ से इतनी पास आकर। तो ठीक है गाइस, फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और बस अब हमें थोड़े से और स्लैब्स लगाने हैं और फिर हम अपने आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। तो मैं लगा देता हूँ जल्दी से जो थोड़े से मेरे स्लैब्स रहते हैं। ठीक है गाइस, फाइनली हम अपने आइलैंड पर पहुँच चुके हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़े बहुत स्लैब्स मैंने गल लगा दी, थोड़े बहुत स्लैब्स लगा देता हूँ और हम चलते हैं अपने आइलैंड पर। और ये मैंने थोड़ा सा गल लगा दिया और एक फाइनल मुझे लगाना है यहाँ पर। तो पहले तो मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये दोनों टूटेंगी, तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और अपना रास्ता आने जाने का थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं गिरूँ यहाँ से। तो मुझे यहाँ पर एक स्लैब और लगानी पड़ेगी, तो चलते हैं अब हम ऊपर। और क्या इसमें 20 हैं, इसे मैं फ़िलहाल तोड़ूंगा तो नहीं मैं ऑफ वायरस के लिए, पहले मुझे बोतल्स बनानी पड़ेंगी जो कि मुझे मिलेंगी डेजर्ट वाले आइलैंड पर सैंड लाकर, तो वो भी हम लाएंगे। और यहाँ पर भी कोई भी चेस्ट नहीं है गाइस और ना ही कोई और है, तो अभी हम चलते हैं वापस और
यहाँ पर भी कुछ खास नहीं था। और ऑफलाइन इस बार मैं गाइस जितनी भी तरह की वुड है ना सभी अपने पास लेकर जाऊँगा और एक एक सैम्पलिंग उनका यहाँ पर लगा जाऊँगा। और ऑफलाइन मैं थोड़ी बहुत और आइलैंड एक्सप्लोर करूँगा। तो इसमें हमें बताया गया है कि टोटल 8 आइलैंड है और नेदर में नहीं बताया गया है कितने हैं। तो फ़िलहाल तो हम पहले ये एक्सप्लोर करेंगे। और अब हम ओके ठीक है गाइस, बारिश भी हट चुकी है और हमारा ट्री भी उग चुका है। तो पहले तो हम जाकर अपना ट्री काट लेते हैं और मेरी एक्सिस में थी और बाकी की स्लैश मैं संभाल कर रख देता हूँ गाइस, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। और मैं अपनी एक एक्स निकाल लेता हूँ और उससे अपना ट्री इस तरफ से नहीं काटूँगा गाइस, मैं इस तरफ से काटूँगा ताकि मेरा कोई भी लोग नीचे ना गिरे। ओ ये गलत बात है ना गाइस, ऐसे तो मेरी वीड कभी उगेगी नहीं। और वो देखिए वो अभी तक नहीं उगी वो वाली वीड, क्या किस्मत है। तो ठीक है, दो लोग हमें मिल चुके हैं और इसे भी देखते हैं जल्दी से निकाल देते हैं। और मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई एक सैपलिंग मिल जाता है, क्योंकि वो जो मेरे चेस्ट में पड़ा है वो तो मैंने एमरजेंसी के लिए रखा है गाइस। और मैं क्या करता हूँ, ट्री उगाता हूँ, जैसे ही मुझे एक सैपलिंग मिल जाता है तो उसे मैं उगा देता हूँ और बाकी को अपने आप झड़ने देता हूँ। अगर उससे गिरेगा तो ठीक है, नहीं तो कहाँ से ही है ना गाइस, क्योंकि अभी हमारे ओके ठीक है मुझे एक सैपलिंग मिल चुका है तो इसे मैं यहीं पर उगा देता हूँ और बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं। तो फ़िलहाल मैं अपनी वुड को तो इसमें ही रख देता हूँ और थोड़ी बहुत स्लैब्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे नेदर पोर्टल के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। तो नेदर पोर्टल मैं सोच रहा हूँ अपने चेस्ट वगैरह के पीछे बनाऊँ या नीचे बनाते हैं ना गाइस। तो सबसे पहले तो मैं नीचे जाने के लिए रास्ता बना लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं नीचे। ओके अभी तो सुबह हुई थी और अभी रात भी हो गई, तो एक मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, हमारा नीचे आने का रास्ता तो बन चुका है। तो मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ पहले तो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर अपना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तो बना लिया है। तो अब हम चलते हैं ऊपर और उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्लैब्स लगा लूँ, क्योंकि इनके ऊपर ब्लॉक लगे तो लगेंगे तो थोड़े अजीब से लगेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो हम निकाल लेते हैं चेस्ट से अपने ऑब्सीडियन और थोड़े बहुत कोबलस्टोन, वैसे मुझे 4 ही चाहिए होंगे, चलो 5 आ गए, ऐसी बात है। तो मैं चलता हूँ नीचे और ऑब्सीडियन मुझे लगाने हैं एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, आई थिंक एक कितने हुए, ये 3 लग गए ना गाइस। और मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी गाइस, और अब मैं इस ऑब्सीडियन को तोड़ भी नहीं सकता गाइस, मुझे यहाँ पर एक कोबल स्टोन लगाना था और अब मेरी पोर्टल भी पूरी नहीं हो पाएगी गाइस। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरी पोर्टल पूरी हो पाती है, तेरी तो ये बनेगी नहीं है ना गाइस। तो पहले तो मैं क्राउच कर लेता हूँ और क्या करूँ मैं गाइस, और यहाँ पर मैं स्लैब्स लगा देता हूँ नीचे। तो अब गलत हमसे लग ही चुकी है और हम इसे तोड़ भी नहीं सकते, तो अब गलत ही बनाकर देख लेते हैं गाइस अगर बनती है तो। तो अब मुझे क्या करना है, इस तरफ बन चुकी है, तो ये तो हमारी किसी तरफ से नहीं बनेगी है ना गाइस। क्या करूं अब मैं गाइस, तो मैं इसके ऊपर चढ़कर देख लेता हूं अगर कुछ होता है इसका तो। आई थिंक ये ऐसे होगी तो नहीं चालू, पर फिर भी एक कोशिश कर कर देख लेते हैं ना गाइस।
तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे ऊपर जाना है। और आई थिंक हमारी वीट भी ग्रो हो चुकी है गाइस, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ और सीड्स को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे या गाइस मैं एक चीज़ कर सकता था, जो गलन लग गया उसे गलन लगा रहने देता, एक और ऑब्सीडियन बनाकर इस लावा से और उसे वहाँ पर लगा देता, और लावा फिर नेदर से ले आता है ना गाइस। पर मैंने तो पूरी ही गड़बड़ कर दी है, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर कर देख लेता हूँ। मुझे करना कुछ नहीं है, इसमें से मुझे बकेट निकालनी है, एक प्लैंक निकालना है और लावा निकालना है। तो पहले तो मैं अकेले लावा से कर कर देखूँगा, अगर बनती है तो। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक स्लैब लगानी पड़ेगी पहले, तो लगाकर मुझे नाल ही निकाल लेनी है। ओके ठीक है, ऐसे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे प्लैंक लेना है और प्लैंक को मुझे रखना है यहाँ पर, उस इसके ऊपर मुझे मारना है लावा। और ऐसे तो आई थिंक ये नहीं जलेगा, तो मुझे दूसरी तरफ से मारना पड़ेगा इस पर लावा, और लावा नीचे जाएगा फिर। तो इस पर मैं लावा मार देता हूँ और अब लावा जाएगा सीधा नीचे, यहाँ पर तो नहीं आएगा ना, ठीक है यहाँ पर तो नहीं आएगा। ओके ठीक है, उस पर आग लग चुकी है। अब देखते हैं हमारी नेदर पोर्टल ओपन होगी या नहीं। ठीक है गाइस, हमारी नेदर पोर्टल ओपन नहीं होगी क्योंकि ये पूरी बनी नहीं है गाइस। तो देखता हूँ अगर मैं इसका कुछ कर सकता हूँ तो। तो ठीक है गाइस, मैंने ड्राइव से अपने वर्ल्ड का बैकअप करके देखा और बहुत मुश्किल से मुझे 10 कोबलस्टोन फिर से मिले हैं। तो अब मैं पहले कोबलस्टोन लगाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो। और अब यहाँ पर मुझे लगाना है ऑब्सीडियन, और अब मुझे जाना है इसके ऊपर। तो पहले तो मैं क्राउच कर लेता हूँ ताकि मैं गिरूँ ना। और अब मुझे यहाँ पर लगाना है एक दो दो, और दो ही हुए हैं ना अभी, ठीक है। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता गाइस, तो पहले मैं यहाँ पर भी लगा ही देता हूँ दो। और आई थिंक मुझे एक और लगाना है, हाँ एक और मुझे यहाँ पर लगाना है। और अब इसके ऊपर मुझे लगाना है कोबलस्टोन, एक यहाँ पर और एक मुझे ऊपर जाना है, और इसके ऊपर मुझे कोबलस्टोन लगाना है, और ये लास्ट वाला मुझे लगा देना है यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, अपनी नैदर पोर्टल बन चुकी है, तो इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ। और ठीक है, ये भी ब्रेक हो चुकी है। तो पहले तो मैं अपने वाले तरीके से कर कर देखता हूँ इसको ओपन, अगर ओपन होती है तो। ठीक है, आई थिंक ऐसे तो ये ओपन नहीं होगी, तो मुझे फिर से यहाँ पर एक यहाँ पर नहीं लगाना था, बस अब ये नीचे ना गिर जाए। ठीक है, मुझे अब जहाँ पर एक प्लैंक लगाना है, और अब मुझे जाना है पीछे की तरफ, और इस पर मुझे मार देना है लावा, और अब मुझे आना है इस तरफ। ओके ठीक है, इसमें आग लग चुकी है, तो अब मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। तो देखते हैं गाइस, हमारी नेदर पोर्टल ओपन होती है या फिर नहीं। तो ठीक है गाइस, हमारी नेदर पोर्टल तो ओपन नहीं हुई, कोशिश करूँगा मैं ओपन करने की से। यहाँ तक मुझे पता था ऐसे ही होती है, या आई थिंक मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे यहाँ से एक और प्लैंक लेना पड़ेगा, और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, और आई थिंक मुझे इसके साइड में रखना है प्लैंक, तो इसे मैं इसके साइड में रख कर देखता हूँ। तो ठीक है, मैंने इसे इसके साइड पे रख लिया है, तो मैं इस पर लावा मार देता हूँ और मैं खुद पीछे हो जाता हूँ। आई थिंक उसमें लग गई, ओके ठीक है, उसमें आग लग चुकी है, तो मैं अपना लावा ले लेता हूँ। अब लगेगी, ओके मैंने थोड़ा सा गलत रख दिया था उसे, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और
फिर से एक प्लैंक निकालना पड़ेगा मुझे, और इस बार मैं इसे लगाने वाला हूँ। आई थिंक मुझे नीचे एक कोबलस्टोन लगाना पड़ेगा और फिर ऊपर प्लैंक रखना पड़ेगा और इस पर लावा मारना पड़ेगा। तो देख, ओके ठीक है गाइस, निकल जा। ठीक है गाइस, फाइनली हमारी नेदर पोर्टल ओपन हो चुकी है, तो अगली वीडियो में हम जाएंगे नेदर पोर्टल में गाइस। तो ठीक है गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और ठीक है गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।